गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के कोर गेम प्ले में। आज मैं अपनी कार को लेकर स्पाइडरमैन को बचाने जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस वेनम उसको पकड़कर उसके घर पर ले गया। क्यों ना मैं वहाँ जाकर उसको वेनम के हाथों मरने से बचाऊं, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं वेनम के घर पहुँच गया। ये तो यहाँ पर वीरान में अकेले में बना घर है, पर पुलिस की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? ओ माई गॉड, यहाँ पर तो पुलिस मरी हुई पड़ी है। शायद ये भी यहाँ पर स्पाइडरमैन को बचाने आया था, पर वो तो इसको मार कर वापस घर में चला गया। उसने तो दरवाजे को लकड़ियों से बंद कर रखा है, क्यों ना उसको बम से उड़ा दूं। दरवाजा तो टूट गया, पर थोड़ा संभल कर घर के अंदर जाना होगा। ये जगह तो काफी पुरानी और कबाड़ लग रही है, यहाँ तक कि घर के अंदर से काफी बदबू भी आ रही है। ये सामने की तरफ कौन है? लगता है वेनम की बीवी है, जो शायद मर चुकी है। ओ भाई साहब, सामने तो वेनम खड़ा है और उसके पैरों में तो स्पाइडरमैन मरा हुआ पड़ा है। उसने तो इसको खत्म कर दिया। मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर वेनम ने इस गेट को आखिर बंद क्यों कर रखा है? हो सकता है इसके अंदर खजाना हो, क्यों ना इसको गोलियां मारकर तोड़कर अंदर घुस जाऊं। ये जगह तो खाली निकली, पर दरवाजा टूटने की आवाज से वेनम यहाँ पर आ गया। अच्छा हुआ उसको मेरा पता नहीं चला, पर वो तो अभी भी शायद मेरे को ही खोज रहे। ओ माई गॉड, वो तो चलकर मेरी तरफ ही आ रहे है, पर शायद उसको मेरा पता नहीं। क्यों ना चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं, पर आखिर मैं जाऊं तो जाऊं का। देखो वहाँ पर वॉशिंग मशीन में पता नहीं कुछ अजीब सा है। हो सकता है स्पाइडरमैन को मार कर वेनम ने इसके अंदर डाल दिया। दूसरी वॉशिंग मशीन में तो काफी पैसे भी है, क्यों ना अभी सीढ़ियों से होकर छत के ऊपर जाया जाए। ओ भाई साहब, वो तो यहाँ पर भी आकर खड़ा हो गया। आखिर अब मैं करूँ क्या? देखो दीवार के उस तरफ काफी मरे हुए लोग है, इनको भी वेनम ने मारा होगा। देखो इनके अंदर से तो इंसानी खून भी निकल रहा है। अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसको रास्ते से हटाया जाए। क्यों ना सामने जाकर उसका ध्यान भटकाऊं। कमोन 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 कमोन। ओहो, अब तो धमाके को सुनकर वो रास्ते से हट गया। चलो चुपचाप यहाँ से निकलते, पर थोड़ा संभल कर, क्योंकि वो वापस आ सकता है। चलो इसको गोलियां मारकर धमाके से उड़ा देते। ओ भाई साहब, इसके अंदर तो काफी स्पाइडरमैन है। इनको देखकर तो मेरे को काफी डर लग रहा है, क्योंकि गाइस उनका शरीर शैतान से कम नहीं लग रहा। पर गाइस इन शैतानों के बीच में असली वाला स्पाइडरमैन भी है, क्यों ना उसको बचाया जाए। पर आखिर मैं करूँ क्या? क्यों ना इसको फेंक कर सबको बेहोश कर दूं? अरे वाह, उसका तो असर हो रहा है। देखो मैंने एक को बचा लिया, क्यों ना सामने गेट से होकर हम दोनों बाहर निकल जाए। पर वो कमीना वेनम सामने आकर खड़ा हो गया। स्पाइडरमैन, चलो यहाँ से होकर चुपचाप बाहर निकल जाया जाए। पर वो तो यहाँ पर भी आकर मेरे नीचे उतरने का इंतजार कर रहा है। लेकिन स्पाइडरमैन उसके पास क्यों जा रहे है? क्यों ना उसको धमाके से उड़ा दूं? बेचारे स्पाइडरमैन को भी आग लग गई, पर वेनम को तो कुछ नहीं हुआ। वो तो आपस में लड़ने लग गए। इन दोनों की फाइट को देखकर तो सच में काफी मजा आ रहा है। अच्छा हुआ स्पाइडरमैन आकर मेरे को उसे बचा लिया। क्यों ना इन दोनों को यही छोड़कर मैं यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि मैं इनके हाथों मरना नहीं चाहता। पर उसने तो स्पाइडरमैन को पकड़ लिया, उसको उसके हाथों से बचाना होगा। ओके तो गाइस उसको बचाकर मैं यहाँ से कहीं और जा रहा हूँ, शायद यहाँ पर ऊंचाई पर सुरक्षित रहूँ। वो तो यहाँ पर भी आकर मेरे को अपनी पावर से मार रहे। चलो गाइस सामने भागकर क्यों ना उस ट्रेन को पकड़ लिया जाए। पर मैंने तो उसको मिस कर दिया, अब तो पैदल ही भागना होगा। देखो गाइस यहाँ पर तो स्पाइडरमैन की पूरी सेना आ गई। ओ भाई साहब, सभी मिलकर उसको मारने लग गए। देखो उसकी बैंड बजा रहे। अब मेरे को नहीं लगता कि वेनम उनसे बच पाएगा। ओहो, उसका तो खात्मा हो गया, सबने मिलकर उसको मार दिया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं इसी शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।